जब से लापता एसएमबी का नया सीजन स्टार्ट हुआ था, सारे प्लेयर्स को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, सबसे ज्यादा हार्ट्स। एक एक हार्ट लेना है, हार्ट दे, वन हार्ट पर सिर्फ एक हार्ट छीन लेते। हार्ट्स लेने का सिर्फ एक ही तरीका था, बाय किलिंग अदर प्लेयर्स। लेकिन सीजन 4 में मैंने एक डुप्लीकेशन ग्लिच का यूज करके सर्वर को एंड कर दिया था। एंड तब से मैंने प्लान बना लिया था कि सीजन 5 में सबसे लीगल, डेडली या फिर कह सकते हैं मोस्ट हेटेड प्लेयर मैं ही बनूंगा। लेकिन ये सब करने से पहले लापता एसएमपी स्टार्ट हो गई थी एंड हमारा अभी के लिए गोल सिर्फ और सिर्फ स्टैकअप होना था। लेकिन दूसरी ओर रेक्सी को एक बहुत काम की चीज मिल गई थी। मैंने एक्चुअली हम बहुत प्रीशियस चीज रखे अपने पास, बहुत बहुत ज्यादा प्रीशियस है। वीसी स्टीवी अभी बहुत हम लोग तुम्हें सामान देके भेजेंगे यहां से, लाइक गियर सामान देके भेजेंगे। दो हार्ट के बदले दो हार्ट, इससे जब मैं खुश चला जाऊंगा ना, एक आध मर के चला जाऊंगा मैं। तो क्या तुम मेरे पूरे पे उसने मरने कहा था ना, उसको मरना है, ऐसा कुछ कहा था। एंड जैसे ही हम लोग ने स्टीवी को मारा था, बाकी के एसएमपी मेंबर्स बिल्कुल खुश नहीं थे। वो देखो ओ मर गया हेलेनिस गेमर। चलो ए वो स्टीवी को पिन दे ब्रो। एंड उन लोग ने अपनी टीम्स मर्ज कर ली थी एंड एक तरीके से इट वाज मी एंड रेक्सी वर्सेस द होल लापता एसएमपी। बड़ी बात मुझे पता नहीं थी और मैंने अपनी स्ट्रीम एंड कर दी थी। तब तक के लिए मैं चलता हूं अभी, ठीक है? बट तभी रेक्सी के साथ ये हो जाता है। जाओ डॉगीज। जैसी रेक्सी को उन लोग ने मार दिया था, मुझे पता था कि हम लोग को एक बार वापस जाना होगा क्योंकि फाइट में हमारा जीतना हार्ट्स कलेक्ट करने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ओपी वो दिख रहा है, चश्मा दिख गया टैब में। चल 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 चल, ओपी दिख नहीं रहा है, मैं सामने खड़ा है। अबे साला कुत्ता बहुत है, कुत्ता कुत्ता कुत्ता, रेक्सी भाग रेक्सी। और ये ओपीओ भी है, रुक जा, होल्ड पीछा था पीछा था पीछा, वो है इसको बाद में हमको फुल होने दे, फुल होने दे, थोड़ा भाग। अभी स्टीवी वापस आ रहा है, स्टीवी इधर में जा, क्या भाग मार्स मार्स मार्स। यस अबे दिया मेरा हो गया कंट्रोल। एंड ये लॉस से किसी को फायदा नहीं हुआ था, बिकॉज़ दोनों की टीम्स को दो दो किल्स ईच मिल गए थे। लेकिन हमारा बैड लक यहाँ पे एंड नहीं होता है, बिकॉज़ मैं और रेक्सी दो हार्ट्स और गवा देते हैं। एंड दिस इज वेयर मुझे रियलाइज हो गया था कि अगर मुझे 20 हार्ट सबसे पहले करने हैं, मुझे स्किल से नहीं दिमाग से खेलना पड़ेगा। एट दिस मोमेंट सर्वर में सबसे ज्यादा हार्ट्स निस गेमर के पास थे एंड ये सब हमारी गलती से हुआ। मेरे पास प्लान था लेकिन मैं श्योर नहीं था कि ये हार्ट्स हम कहाँ से लाएंगे। लेकिन जो चीज़ हम लोग ने अब तक लूज करी थी उसको वापस लेने के लिए मैं और रेक्सी ग्राइंड पे लग गए थे, होपिंग कि अब सब स्मूथली जाएगा। एंड अब तक मैंने ये बात मेंशन नहीं करी होगी, लेकिन इस एसएमपी में आप सिर्फ एक स्पेसिफिक आर्मर क्राफ्ट कर सकते हो। एट द मोमेंट हम सिर्फ लेदर आर्मर क्राफ्ट कर सकते थे, तो समहाउ अगर हमारे पास एक फुल प्रोटेक्शन 4 वाला लेदर आर्मर आ जाए तो हम प्रीटी मच अनकिलेबल बन सकते थे। लेकिन ये भी एक इशू बन गया था, लेदर लेने का बेस्ट सोर्स एक काउ है। जब से एसएमपी स्टार्ट हुई थी, प्लेयर्स ने जितनी भी काउस वर्ल्ड में थी सारी मार दी थी एंड वर्ल्ड बॉर्डर ने हमारा काम और खराब कर दिया था। एंड लेदर लेने के दूसरे तरीके भी थे लेकिन वो कुछ ज्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग थे। बट एक ऐसा तरीका मुझे मालूम था जो बहुत कम प्लेयर्स जानते हैं, अगर आप एक विलेजर को लेदर वर्कर बना दो तो वो आपको फुल लेदर आर्मर बहुत इजीली दे सकता है। एंड इसलिए हम लोग ने निस गेमर के विलेज से उसके सारे विलेजर्स चुरा लिए थे। एंड हाँ, एक विलेजर को हम लोग ने डुबा भी दिया था। जा रुक जा रुक जा, ये सब खोल, ऊपर का माइक है, उधर रोड आ रहा है, अपन में और कुछ नहीं है, मुझको उसके साथ एटलीस्ट ट्रेड करना था। कुछ भी नहीं है, बेड भी नहीं है यहाँ पे अब तो। भाई बॉर्डर के उस पार शीप वीप है भाई। वही तो, बॉर्डर के बाहर एक दो गाय देखे थे। हैं, दिखी थी तो उसको तो वीट से ट्राई कर सकता है ना। कहाँ, बहुत पहले दिखी थी, अभी नहीं दिखी। ओ दिखी, दो गाय दिखी बॉर्डर के बाहर। कितना बार अच्छे का दिमाग है। हमारे पास विलेजर्स आ गए थे लेकिन फिर भी हम लोग को काउस की बहुत ज्यादा जरूरत थी, बिकॉज अर्ली गेम में सबसे बेस्ट फूड सोर्स काउ था एंड लेदर की वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन थोड़ी ही देर पहले मैंने कहा था कि बॉर्डर के अंदर काउज ही नहीं थी। एग्जैक्टली, मैं और रेक्सी कुछ ऐसा ट्राई करने वाले थे जब तक किसी और ने बिल्कुल भी नहीं किया था, वर्ल्ड बॉर्डर के बाहर से मॉब्स को बॉर्डर के अंदर लाना। पर वो दो दो गाय इधर। चल अभी लाते हैं गाय, ठीक है? मेरे पास एक टेक्निक है। हाँ, नहीं काम कर रहा है। मैं कुछ फेंकूंगा बाहर तो नहीं जाता बाहर, इसका मतलब फिशिंग रॉड भी उस पार नहीं जाएगा। साले उधर जाता ही नहीं फिशिंग रॉड बॉर्डर के थ्रू। ये ले रेक्सी, इधर ला फिशिंग रॉड, रुक जा, हट हट हट। ओ वेट, अबे यार हम लोग अपने गोल से बहुत पास आके भी काफी दूर थे। बट तभी मुझे एक आइडिया आया, जो बॉर्डर के उस पार जाने वाला ग्लिच वो करके ले आता हूँ। जब माइनक्राफ्ट का 1.8 अपडेट पब्लिक हुआ था तब गेम में काफी सारे न्यू चेंजेस हुए थे इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बॉर्डर। एंड तब से ही बहुत सारे प्लेयर्स के मन में ये सवाल आया था, क्या हम बॉर्डर के बाहर जा सकते हैं?
इस टॉपिक पे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी बनाई एंड बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मुझे ये पर्टिकुलर वीडियो मिली। Did you know that you can get through the world border by placing down a boat right next to the border and riding it? माइनक्राफ्ट को ट्रिक करके प्लेयर्स बहुत आसानी से बॉर्डर के बाहर जा रहे थे, लेकिन जब हमने ये सेम चीज एसएमपी में ट्राई करी तो हम लोग इतने खुश नहीं हुए थे। साला क्या हो गया ये? नॉर्मल हिट मार मेरे को अंदर? नहीं होगा भाई, चल यहां से, बोट भी गई। गई क्या, गाय नहीं मिलेगी भाई। हम तो नहीं, बट हमारी बोट परमानेंटली बॉर्डर के बाहर अटक गई थी। बट ये एक्सपेक्टेड था। लापता एसएमपी में काफी सारे प्लगइन्स हैं जो आपको रोकता है ये सारे ग्लिचेस करने से। बट डू यू रियली थिंक मैं हार मानने वाला था? डूड, दिस इज अटर मोस्ट पॉवर्टी भाई। अरे बाप रे, इतना भारी शब्द यूज कर दिया, चलो मेरे वीडियो में किसी को समझ नहीं आएगा। चलो बोल कादिस। What? इधर। Oh so close bro। हीच रहा है। Yes। भाई। Yes। हीच लिया? हीच लिया? Yes। Oh। Oh। एक सेकंड, इस पर कैसे आएगी? एक सेकंड। No। क्या हुआ? Oh! आ गई? Yes। bro। पहली गाय भाई। एक लौती गाय हमारे पास सर्वर की। सर्वर का रेलेस मॉब हमारे हाथ लग गया था एंड कुछ समय के लिए ही सही, बट वो काव हमारे बेस में काफी सेफ थी अंटिल हम लोग ने सर्वर लीव कर दिया था। कभी कभार एक छोटी सी गलती की वजह से हमें काफी बड़े नतीजे भुगतने पड़ते हैं। अगर अब मैंने पहले की तरह हार मान ली तो मैं हमेशा एक हारा हुआ प्लेयर बनते रह जाऊंगा। दिस वॉज इट, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे आए थे वो लोग अब यहाँ से वापस जिंदा नहीं जाने वाले थे। ओ, हमको नहीं दिख रहा है। ओ, लगाओ। ओपियो का लीफ पॉइंट मिल गया। ओपियो का एग्जैक्ट लीफ पॉइंट बता दो। अरे बाप रे। आया आया, ये आ गया आ गया। आ गया। फिर मार उसको। व्हाट? व्हाट? अरे भाई। कोई दिक्कत। मैं सामने खड़ा हूँ ओपियो। रुक जाओ, ओपियो को देखे रहे, मैं आ रहा हूँ। वो रे। जल्दी आ। इंतजार किस बात का? कमेंट में लेके वहां से रजिस्ट्रेशन कीजिए और मेरा प्रोमो कोड 1xn/1x यूज करके फर्स्ट डिपॉजिट 260K INR तक बोनस मिलेगा। 1x पे डिपॉजिट करना भी बहुत सिंपल है, पेटीएम, फोन पे, जी पे, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। तो जाओ और जल्दी से रजिस्टर करो। इतने बड़े सैक्रिफाइस के बाद मैं और रेक्सी दोनों 10 हार्ट पर आ गए थे एंड मेरा 20 हार्ट डे 1 पे करने का सपना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन चुका था, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी और ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स ऑफलाइन थे। लाइफ स्टील का मोटिव होता है दूसरों की लाइफ को स्टील करना, बट जैसे ही हमको एक एक्स्ट्रा हार्ट आउट ऑफ नोवर मिल गया था, हम लोग ने लाइफ स्टील को एक कम्प्लीटली न्यू मीनिंग दे दिया था। कैसे? हाउ डू वी हैव एन एक्स्ट्रा हार्ट? हम लोग ने लाइफ स्टील की पूरी हिस्ट्री का सबसे डेंजरस एक्सप्लॉइट ढूंढ लिया था, जनरेटिंग हार्ट्स आउट ऑफ थिन एयर, बट ये प्लान नहीं था एंड इसको वापस करने में हमको बहुत मुश्किल हो रही थी। क्या था वो भाई? क्या हुआ? समझ नहीं रहा मेरे को, एक समझ नहीं समझ रहा क्या है ये? अब नहीं हो रहा, लेकिन इस ग्लिच को अपन थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा। ये ले शील्ड का, इस वीडियो अपना शील्ड कहाँ गया? नहीं पता, टूट गया ना भाई। कब टूटा भाई? ले बना ले, बना के देता हूँ दो शील्ड। समझाऊंगा थोड़ा, ये हुआ क्या इवेंट? ये ले यार, एक्सी यार, रुक तो मार लेंगे भाई। व्हाट? अभी समझ गया रेक्सी, क्या हुआ? अपना शील्ड इसलिए चला गया था, अपना शील्ड इसलिए चला गया था। 20 हार्ट्स, एक ऐसी अचीवमेंट जो प्लेयर्स को करने में महीने भी लग जाते हैं, वो हम लोग ने सर्वर के पहले दिन कर लिया था। हाउएवर मुझे पता था कि ये हार्ट्स मेरे पास हमेशा नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर गलती से भी इस ग्लिच के बारे में किसी और को पता चला, ये ग्लिच फिक्स हो जाएगा एंड कंसीडरिंग हम लोग ने इसको कुछ ज्यादा ही लेवल पे यूज किया था, हम लोग सर्वर से बैन हो जाएंगे। लेकिन ये हमारे लिए फ्यूचर की टेंशन थी, क्योंकि प्रेजेंट में हमने प्लान बना लिया था टू फाइंड एज मेनी ग्लिचेस एज पॉसिबल।
गाइस, लेकिन इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि जितने सब्सक्राइबर्स मुझे इस वीडियो से मिलेंगे उतने सेकंड के लिए मैं लाइव जाऊंगा। एंड बाप रे, मुझे एक 5 घंटे की स्ट्रीम करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अगर हम इस वीडियो पे लास्ट वीडियो से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स ले आए तो मैं अपना टाइम 2 times से इंक्रीज कर लूंगा। यस, अगर आप लोग ने सब्सक्राइब किया तो मैं 10 घंटे की एक नॉन स्टॉप स्ट्रीम करूंगा अपने लाइव चैनल पे। और अब ये तो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप मुझे कितनी देर देखना चाहते हो, तो जल्दी से जाओ प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ऑफ योर्स, चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। मेरे हिसाब से सबसे इजीएस्ट आर्मर ऑब्टेनेबल के साथ चालू करते हैं, आयरन आर्मर, उसके साथ टेस्टिंग करते हैं ड्रॉपर ऑपर में डालने वाली, मतलब ऑफ एंड में कुछ भी रखे तो भी होगा क्या? हाँ, रेक्सी कुछ भी रखने से होता है। I feel so powerful. We cannot be stopped, bro. क्या क्या? हाँ देख, अंदर है, अंदर है, देख। अच्छा वो खोला ना, ऊपर तो गायब हो गया। Okay, ready? सबसे पहले हम ऐसा खोलते हैं। जूता बनाना, मेरे को जूता नहीं है। ड्रॉप कर, ड्रॉप कर। चला गया, चला गया। लोग सोच रहे होंगे कुछ तो शिट। गरीब हो गया होगा लिख रहे हैं। या ब्रो, वी आर वेरी गरीब, तेको पता नहीं है। ये हार्ट्स का यूज करके हम सबसे ज्यादा पावरफुल बन गए थे, लेकिन इतने सारे पावर के साथ हम करते भी क्या? हमारा 20 हार्ट्स रीच करने का गोल कंप्लीट हो गया था, एंड इतने सारे हार्ट्स के साथ माइनक्राफ्ट काफी बोरिंग लगने लगा था क्योंकि हमारे पास बेसिकली सब कुछ था। लेकिन फिर मैंने एक बार सोचा, क्या ये सब सही था? SMP के डे 1 पे सर्वर का मोस्ट वैल्यूएबल आइटम की वैल्यू हम लोग ने एकदम खत्म कर दी थी। इससे सिर्फ हमको नहीं बट पूरी SMP को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था, इसलिए दूसरे ही दिन SMP के ओनर को जाके हमारे सारे कामों के बारे में मैंने बता दिया। एंड कंसिडरिंग हम लोग ने ये ग्लिच ढूंढा और रिपोर्ट किया, हम लोग को बैन भी नहीं मिला, बट हमारे सारे इलीगल हार्ट्स ले लिए गए थे। हम लोग ने खुद से एक प्रॉमिस कर लिया था कि आज से हम लोग कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे जिससे SMP को हार्म होगा। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि SMP का ड्रैगन एग चुरा लिया गया था। एक्सी, ड्रैगन एग कहाँ गया? हमारे एंड आने से थोड़ी ही देर पहले चड्डे गैंग ने सर्वर का सबसे बड़ा रूल तोड़ दिया था, ड्रैगन एग को एंड फाइट से पहले लेने का। एंड ऑब्वियसली इस चीज से मैं बिल्कुल खुश नहीं हुआ था, क्योंकि जिस भी SMP में मैं खेलता हूँ वहाँ का ड्रैगन एग हमेशा मेरा होता है। चाहे मुझे जो भी करना हो उस ड्रैगन एग को लेने के लिए मैं सब कुछ करता हूँ। अभी के लिए मुझे ये नहीं पता था कि वो ड्रैगन एग किसी के एंडर चेस्ट में था या किसी के बेस में, बट जब मैंने चड्डी गैंग को मेरे बेस खुद आते देखा मैं तुरंत समझ गया था कि अब मुझे आगे क्या करना था। ओके मिस लैपिस, आई सी हम क्या करने वाले हैं। आई सी हम लोग क्या करने वाले हैं। आई सी व्हाट वी आर गोना डू हियर। या मिस्टर लैपिस, सो वी आर गोना डू दिस नाउ। हम लोग ये करने वाले हैं। लीव कर दिया ब्रो, मिस्टर लैपिस को लगा था सर्वर लीव करके वो मुझसे बच जाएंगे। गेस व्हाट, मिस्टर लैपिस वाज रॉन्ग। इस जगह मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ, फालतू मत बोलो, मेरे से बता रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ, मरा ना मैं, अगर मरा मैं हाफ हटू। हो गया पावरफुल निकल गया आपका, और चलाओ तलवार। लैपिस को मारने से मुझे कुछ नहीं मिला था क्योंकि मेरे वॉन्ड्स एक हार्ट से काफी ज्यादा थे। मेरे पास एक परफेक्ट प्लान था और अब लापता SMP के रेयरेस्ट आइटम को लापता करने का टाइम आ गया था। हेलो DOP,
हेलो 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 हाँ हेलो भाई, एक बात बतानी है तुझे, एक इशू हो गया। मेरा एक दोस्त है जो बोल रहा है कि लापता एसएमपी वालों को बिल्कुल पीएफपी नहीं आती, जैसे डीओपी को देख लो कुछ कर नहीं पाता, लेकिन तेरी बेइज्जती कर रहा है हर जगह जाके। तो करते हैं भाई, सब करते हैं। मैं हाँ, लेकिन ये बंदा ऐसा है, कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। वो कह रहा है अगर तूने उसको हरा दिया तो वो तेरे को 2,000 रुपए देगा। इतना ज्यादा 2,000 रुपए? हाँ, पीवीपी के लिए। पीवीपी के लिए तू हरा पाएगा उसको? कराओ भाई, बात कराओ, थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा तो शायद से ऐसा। सुन, अगर तू हार गया उसमें तो बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी तेरी, इतना समझ ले। तू रेडी है फाइट? लेकिन वो अच्छी पीवी करता है जितना मैंने देखा, मैं उसको जानता हूँ। तुझे मार देता है क्या कभी कभार? उसके लिए तो भाई महीनों तक ऐसा लगातार पीवीपी करना होगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आज रात फाइट है, एक काम कर। सुन, मेरे पास एक प्लान था, मैं लेके आया था इधर, अब देखो अच्छा लगेगा तो तू बता। वॉट इफ मैं तेरे अकाउंट से खेल के उसको हरा दूं, एंड जो भी पैसे मिलेंगे वो तेरे हैं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे बस लापता का नाम रोशन होते देखना, मेरे को तो और कुछ इशू नहीं है। अगर तू हार गया, क्योंकि अगर तू खेलेगा तो फिर भाई, मतलब अगर बाई चांस तू हार दे सकता हूं अकाउंट तुझे, मतलब हां, मतलब मैं बुरा तो क्या ही जा रहा है भाई, बाद में पास बदल लियो फाइट के बाद, और क्या। एक मिनट, दू ना दू, मतलब एंड में तो पैसा मिल रहा है। ऑफकोर्स जितने का माइनक्राफ्ट अकाउंट होता है उतना पैसा तेरे को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 2,000। ठीक है भाई, मतलब दे रहा हूँ मैं तुझे, ठीक है, पर बाद में मैं इसका पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ। अरे ऑब्वियसली भाई, मेरे को थोड़ी देर अकाउंट चाहिए, एंड बहुत इजीली मेरे प्लान का स्टेप 1 कंप्लीट हो गया था, जो था डीओपी बन के लापता एसएमपी में खेलना। ये करने से मैं मिस्टर लापता से और क्लोज हो जाऊंगा। मुझे काफी सारी चीजों का ध्यान भी रखना था, जैसे कि मैं डीओपी हूं और सेनपाई नहीं। एसएमपी में लॉगिन करके सबसे पहले मैंने डीओपी की एनडीएस चेक करी, होपिंग कि मुझे कुछ मिलेगा, बट उसमें फालतू सामान के अलावा कुछ नहीं था। फिर मैंने नोटिस किया कि मेरे पिकैक्स की ड्यूरेबिलिटी काफी लो थी, इसलिए मैं फार्म जाने लगा था, लेकिन वैसे ही मेरे प्लान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। मिस्टर लापिस बुला रहे हैं मुझे। ओह माय गॉश डूड, मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरे प्ले स्टाइल से मैं पकड़ा जाऊंगा अगर उसने मेरे को अटैक कर दिया ना। जल्दी ब्रो, नौकर नहीं हूं मैं। एट दिस पॉइंट मुझे समझ आ गया था कि अगर मैं थोड़ा सा भी रिस्क लूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए लैपिस को इग्नोर करके मैं ड्रैगन एग को ढूंढने लग गया था। मैंने हर जगह चेक करी थी फॉर क्लूज, बट मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड बॉर्डर तक मैंने ट्रैवल कर दिया था विदाउट फाइंडिंग अ सिंगल थिंग, बट फिर मुझे एक कोट याद आया, कभी कभार जो चीज़ हम लोग को चाहिए होती है वो हमारे एकदम सामने होती है, हमको बस ध्यान से देखना होता है। ये सोच के एक फाइनल बार इस अकाउंट के साथ मैं निकल पड़ा था इन डिमेंशन की ओर, ये जानते हुए कि ड्रैगन एग को ढूंढना बिल्कुल भी ईजी नहीं था। मैं डिसअपॉइंटेड था, लेकिन मैं कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकता था। एट दिस पॉइंट मैं समझ गया था कि ड्रैगन एग मुझे अभी तो नहीं मिलने वाला था, लेकिन अब मैं इस अकाउंट का क्या करता। इस सवाल का जवाब मुझे खुद मिल गया था। What? Oh shit! No! Nay, I'm dead. Oh no! DOP ने सर्वर पर लॉग इन कर दिया था एंड उसको मेरे सारे प्लान्स के बारे में पता चल गया था, जो कि बहुत सिंपल थे। DOP का अकाउंट यूज करके ड्रैगन एग तक पहुंचने का, और इस प्रोसेस में DOP का कोई नुकसान भी नहीं करने वाला था, लेकिन मुझे पता था देयर वाज अ चांस कि DOP लॉग इन करेगा, एंड उस टाइम के लिए मेरे पास एक बैकअप प्लान रेडी था। भाई तुझे लगता है कि तू जो भी मेरे अकाउंट के साथ करेगा? मैं कुछ नहीं करूंगा अकाउंट के साथ, मैं बस लापता में हूँ अभी, जो भी हो सकता है वो लापता में हो सकता है। भाई बैन कर देगा, कर दे। ओके, who will stop me DOP बता। अब भाई मैं तेरे who will stop me, तू मेरे को ये बता दे who will stop me, तू मेरे को रोकेगा DOP? कुछ मत कर भाई, you can just sit and relax अपने घर पे DOP, तू अपना वीडियो बना, do it। हाँ, इसके अलावा you can't do anything। अबे तुझे लगता है कि तू मुझसे ज्यादा देर तक मेरे पीसी पे बैठ सकता है? तेरे पीसी पे तो मैं नहीं बैठा हूं। मतलब तू मुझसे ज्यादा देर तक तू एक जॉइन और लीव का खेल खेल या 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 देखते हैं भाई। ओके लेट्स सी। डीओपी ने अपना पासवर्ड तो बदल दिया था, लेकिन उसका अकाउंट अभी भी मेरे गेम में लॉग्ड इन था। वो काफी कॉन्फिडेंट था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, बट डीओपी को ये कहां पता था कि ये सोचना उसकी आखिरी गलती थी। Please, DOP, nahi. No. No, please. Why am I not joining? Null. Simple spider.
लेफ्ट ही लेफ्ट टू लेफ्ट लेट्स गो ओ माय गॉश होल्ड ऑन होल्ड ऑन DOP DOP इट्स टाइम टू से गुड बाय बिकॉज अब अकाउंट मेरे हाथों में है बाय बाय DOP अब तक मैंने बहुत कुछ कर लिया था ड्रैगन एग लेने के लिए बट ये तो बस एक शुरुआत थी क्योंकि अगर ड्रैगन एग रूल तोड़ के लिया गया था तो मैं रेडी था 100 रूल तोड़ के उसको वापस लेने के लिए जिसके पास भी ड्रैगन एग था बी प्रिपेयर्ड बिकॉज अब मैं अपने साथ एक और प्लेयर को ला रहा हूँ निस गेमर क्या आप रेडी हो ड्रैगन एग लेने के लिए हाँ मैं तैयार हूँ